अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। ये आपको मेरे याद जो है वो दिन की रोशनी में, दिन दिहाड़े जो है वो आपको रियाद की सिटी की सैर करा रही हूँ। ये है रियाद और हम लोग जा रहे हैं पांडा, यहाँ की हाइबर पांडा जो यहाँ की सुपर मार्केट है और बड़ी सी आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। एवरी थिंग आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बस हम लोग अपना सौदा सेल्फ लेंगे। जब पांडा आते हैं ना तो बहुत दिल में वो पुरानी यादें आ जाती हैं, क्योंकि मैं पहले यहाँ रहती थी, 3-4 साल मैं यहाँ रही थी। तो अब जब मैं गई हूँ 2 साल बाद इधर, तो मुझे काफ़ी जो है ना वो अपना अपना वो फीलिंग आई, जो मेमोरीज़ अपनी रिकॉल हो गई कि यहाँ पर हम आते थे, शॉपिंग करते थे, यहाँ पर आपको क्लॉथ, बच्चे के कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो दोबारा से होती हैं कि देखो कैसे जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। इंसान समझता है कि मैं उस जगह पे हमेशा रहूँगा जहाँ मैं रह रहा हूँ, उसको नहीं पता होता उसका आगे कहाँ किधर लिखा है, उसने किधर जाना है। तो जो जिस जगह रह रहे ना उसका एक एक मोमेंट को ना कशीद करना चाहिए, एक एक मोमेंट को जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा नेक्स्ट मूव कहाँ हो, हम कहाँ चले जाएँ और वो सिटी हमारे लिए आखिरी, मतलब उसके लिए हमारा वहाँ पर आखिरी दफ़ा रहना हो वो। तो बस यहाँ पर फिर गार्डन कैफ़े से हम लोगों ने जो है वह तिरामिसू किया। यहाँ पर तिरामिसू जो है वो हलाल होता है, और डॉयचलैंड में, जर्मनी में तिरामिसू जो होता है उसमें क्योंकि वो अल्कोहल डालते हैं तो हम लोग नहीं खा सकते। तो हमें ये था कि हम ज़रा देखें कि ये तिरामिसू होता क्या है। तो हमने ये सऊदीया से, क्योंकि आपको पता है सऊदीया में डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल है और हर चीज़ हलाल है। ये मज़े जो हैं वो सऊदीया के हैं, ये सऊदी लाइफ है। तो आपको मैं रियाद जो है रियाद की लाइफ दिखा रही हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी जो हैं जिठानी, उन्होंने मज़े मज़े का हमें सूप पिलाया और खूब हमें जो है वो हमारी खिदमतें हो रही हैं। और यहाँ पर वो हमें फलूदा जो है वो हैंड होम मेड फलूदा जो है बना के खिला रही थी। ये इनकी अपनी रेसिपी है और ये आपको इनकी रेसिपी आप उनके चैनल पे भी आपको शायद मिल जाएगी। उनका चैनल है, वो अपना फूड चैनल जो है वो चला रही हैं के ऐसे फूडीज़ के नाम से, तो आप लोग उसको भी विज़िट कर सकते हैं। वो मेरी जेठानी है। तो बस यहाँ पर वो मज़े मज़े का हम फलूदा जो है वो इन्जॉय करेंगे, और ये जो दिन है हमारे वेकेशन के उनको अच्छे से रहेंगे। उमर का इसीलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे ढेर सारे कज़न हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये उनसे खेलता है और अच्छे अच्छे से खाने खाता है। इसको ताई जाने इसकी जो हैं वो इसको बना के देती हैं, इसको मज़े के मिल्क शेक्स भी मिलते हैं और मज़े की चीज़ें भी मिलती हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ये जो गोल्ड मार्केट है रियाद की, वहाँ पर क्योंकि जो थोड़ा बहुत जो है ना वो गोल्ड जो है वो कुछ होता है जो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। मैं क्योंकि ब्रेसलेट मैंने लिए थे जो लाइट लाइट से मुझे पसंद होता है, जो हैवी जो है ज्वेलरी नहीं पसंद। तो वो लाइट लाइट का ये एक नुकसान होता है कि वो ब्रेसलेट वगैरह चेन्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं। तो बस वो कुछ पुराना था पड़ा हुआ, उनको सेल करके मुझे नया लेना था। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो नंद के साथ और अपनी जेठानी के साथ आई थी। तो ये है जी यहाँ की गोल्ड मार्केट, और यहाँ पर इतने इतने बड़े बड़े सेट्स भी होते हैं, इतने इतने बड़े भी होते हैं, इतने उन्होंने डिस्प्ले पर लगाए होते हैं। तो वो देख के बंदे को होता है कि ये कौन पहनता होगा, लेकिन ये सऊदी औरतें जो हैं वो ये बड़े यहाँ पे जी हम बच्चों की फौज जफरे मौज के साथ निकले हैं इनको जो है पिज्ज़ा पार्टी कराने के लिए। अच्छा, सऊदीया में ये है कि गर्मी बेनतहा थी, 45-47 डिग्री वहाँ पर टेम्परेचर था, तो उसमें आपको ना दोपहर या उसमें निकलने का सवाल नहीं पैदा होता, तो शाम को निकलो या फिर रात को निकलो। तो फिर इन बच्चों को कहा था कि चलें फिर रात को चलेंगे, तो अब ये जो है वो एक्साइटेड थे कि हमें लेके जाएं। तो इनको जो है वो इनके जो दादा अबू की तरफ से पिज्ज़ा पार्टी जो है वो हो रही है, और हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज। वहाँ पे जो है वो काफ़ी डील्स वगैरह भी होती हैं और अच्छा होता है, इनको पसंद भी है उसी जगह का, तो वहीं पे जो है वो जाके कर लेंगे। एक जो है बास्किन रोबिन पसंद है इन लोगों को आइसक्रीम्स में बच्चों को, और एक जो है ये पिज्ज़ा। तो बच्चों की जो है आजकल की उनकी पसंद भी जो है ना वो इसी तरह की है, देसी खाने नहीं बल्कि इस तरह के खाने और आइसक्रीम्स वगैरह पसंद होती हैं। हमारे अभी पियो तो मुझे दे नहीं ना।
शुरू कर दें। दोबारा ये डब्बा जो है उसको बंद किया है वापस उसी तरह उसी पैकिंग में। वाह मोहम्मद गुड जॉब। बिल्कुल खाली है अंदर से, बिल्कुल खाली है, लेकिन लग कितना प्यारा गिफ्ट लग रहा है। ये हम जाके दे देते हैं मामा को, मामा आपके लिए गिफ्ट आए। करना है ऐसे कर लेते चलो बच्चों ले लो एक ट्रॉली ले लो, या सर को एक ट्रॉली में बिठा दो, आ जाओ बच्चा पार्टी लेट्स गो। उमर आ जाए, वो है मरियम, मरियम वो है उधर आगे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो उसका बना रही हूँ मिल्क बॉटल, ये आइसक्रीम का बना हुआ तो है लेकिन इसमें ये छोटा वाला है। आना ना वो छोटी वाली उधर ही वो देखो ना उसके अंदर ही बस कुल्फी होती है इधर पड़ी हुई। हाँ जी गार्डनिंग का तो बहुत शौक है, वहाँ पे तो बहुत है, इधर तो इतना सा सेक्शन है ना, उधर तो इतना बड़ा सेक्शन होता है गार्डन, तो बहुत शौक है। ये यहाँ पर हम आ गए थे बच्चों को टॉय शॉप लेकर, बच्चों ने ना अपने ना ईदी वगैरह और वो चीज़ें मतलब पैसे इकट्ठे किए हुए थे पॉकेट मनीज वगैरह, और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने टॉयज़ लेने। ये टॉय की ना मुझे जैसे फील हुआ कि ये आउटलेट है, जैसे वो होती है ना होलसेल रेट पे आपको यहाँ पे टॉयज़ मिल जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री की तरह की आपको फीलिंग आ रही थी, इधर आपको सीलिंग वगैरह इतनी ऊँची ऊँची सी आपको ये टॉय स्टोर था और हर किस्म के टॉयज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल थे। तो ये बच्चे जो है इनसे देख रहे थे, पसंद वगैरह कर रहे थे, कुछ को जो है वो उनके मामू चाचू ने जो है वो गिफ्ट भी दे दिया, और कुछ बच्चे जो है अपने पैसों के यहाँ पर जो है वो टॉयज ले रहे थे। तो ये एक टॉय शॉप पिछली बार जब हम लोग यहाँ आते तो शायद डेढ़ डे होता था ना, जिसमें जो है वो मिलते थे काफ़ी लो प्राइस में, आपको बहुत अच्छे टॉयज मिल जाते थे। अब डेढ़ डे मुझे कहीं नज़र नहीं आया रियाद में, शायद हो अभी भी, लेकिन ये जो है ये टॉय शॉप जो है अब ये आउटलेट मुझे यहाँ पर अब बच्चे मतलब ये काफ़ी बड़ा लगा और अच्छा लगा। तो जो रियाद में वजह से ही बता सकते हैं कि पता नहीं डे एंड डे शायद बंद हो गया है अब जैसे जहाँ तक मुझे लगता है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे बच्चों ने इधर काफ़ी सारी चीज़ें थी, यहाँ पे बच्चे हमारे तो बच्चे बॉल से खेलने लग गए थे और उन्होंने वहीं पर अपना प्ले ग्राउंड बना लिया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वो था, लेकिन जो है वो ये इस तरह से इन्होंने जो है वो अपने टॉयज़ वगैरह लिए और फिर जो है ये है जी रियाद की लाइफ, रियाद की जो नाइट लाइफ, रात की लाइफ, लाइफ यहाँ पर कैसी होती है, जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये आपको इस वीडियो से जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी सफीना लिख दे, और जन्नत तो गवारा है, जन्नत तो गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है।
सारी बहार आप से है। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का। Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa